अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहे हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले आपको सस्ती शेयर सुनाएंगे और एक और बात बता दूं कि मैं जो हूँ ना वो कालिया का एपिसोड बना रहा था, टू बी ऑनेस्ट, झूठने बोलूँगा पर बना नहीं, तो उसका रीज़न आप देख लोगे। खैर, सबसे पहले आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हमने सस्ती शेयर बनाई है। इससे पहले हम भूल जाएँ तो आपको सुनाएंगे, अर्ज किया है कि कच्चा और लास्टिक से होता है ढीला और नाड़े से होता है टाइट। वाह 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 वाह। कच्चा लास्टिक से जाता है ढीला और नाड़े से होता है टाइट। रैंक पुशर्स करते हैं कैंपिंग, नहीं लेते फाइट। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। मेरी अनोनिमस की पब्लिक, एक्चुअली वाकई ये होता है कि जो रैंक पुशर्स होते हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब मैं रैंक पुश करता हूँ, मैं भी भाई कैंपिंग करता हूँ, होल्ड करके खेलता हूँ, फायर नहीं लेता है ना, आप लोगों के सामने ही है। तो मतलब शायरी बनाइए, कोई बुरा मत मानिएगा ऐसे फन के लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ठोक देना लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। होप सो अच्छी लगी होगी, दांत निकलेंगे होगा खी 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 ऐसे करके आप हंसे होगे। तो पब्लिक अकेले खेल रहा था और पॉचिंग की जाने का फैसला किया, जिसका नाम हमने रखा हुआ पिंडी। अच्छा, मैं स्टोरी सोची थी कि कालिया को देखो लड़की वाले कपड़े पहनाए हैं, एक स्टोरी सोच रखी थी, लेकिन सारा हमारे स्टोरी पे पानी फिर गया। हमने कालिया को मिशन दिया था कि कालिया भैया आपने ना मतलब अपने जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, जो आपने फतह कर रखे हैं, जो आपने जीत रखे हैं, जो आपने एनिमीज से दुश्मनों से क्लियर कर रखे हैं, उनका आप एक कह सकते हो कि राउंड लगाओगे वहाँ पे अपने एरियाज़ में और उनको देखोगे कि ठीक है नहीं है, ठीक है। मैं गश्त लगाना कहते हैं ना, एक गश्त लगाना, हाँ, तो गश्त लगाने जाएंगे कालिया भैया। तो कालिया भैया को हमने मिशन दिया था, लेकिन कालिया भैया अपना मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उतरे थे पोचिंग की यानी पिंडी लूट कर रहे थे, टॉमी गन हमें मिल गई थी। इसका नाम पता नहीं क्या, टॉमी कुत्ता गन रख दिया इन्होंने, अजीब सी, इतने मज़े की गन है और नाम देखो टॉमी गन, नहीं मतलब क्या। बैठे मेहरान गड्डी में और अब एनिमीज के पीछे जाना था, तो फ़ौरन से बूस्ट मारा, भगाई अपनी मेहरान गड्डी और हम पहुँच गए स्कूल, जिसका नाम हमने रखा हुआ है सियालकोट मेरी एनोनिमस की पब्लिक। जब हम यहाँ पहुँचे तो उम्मीद थी कि बंदे बंदे होंगे, पर यहाँ पे कोई नहीं था, तो सियालकोट जो था वो हमारा क्लियर हो गया। अब एनोनिमस अपार्टमेंट्स चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे बंदे तो नहीं हैं। अच्छे से हमने यहाँ पे भी देखा, ये वाला एरिया भी क्लियर था, यहाँ पे एनिमीज नहीं थे। हमने इजी पीजी अपने दो सिटीज़ को क्लियर कर लिया था कालिया ने। कालिया जो वो लड़की के भेस में घूम रहा था, क्योंकि कालिया को अगर गद्दार होंगे, ठीक है, मतलब अगर हाँ अभी मैं अर्थरुल देख रहा हूँ ना, तो वही वाले निकल रहे हैं मेरे मुँह से सारे अल्फाज। राइट पे गोली चली थी, मैंने फ़ौरन से उसी कंपाउंड की तरफ गाड़ी घुमाई जहाँ पे गोली चली होती है। तो यहाँ पे हमें मम्मा हिरदे नजर आएगा। वाह 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 वाह, बॉट भैया को मार रहे हैं, क्या नाम है इनका, गोक ब्रू, यस, क्या ख़तरनाक नाम रखा है भाई। बॉट मारता फिर रहा है रोड पे, गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही, हेडफोन पहने रखे और भाई सब खेल रहे थे, तो इनको हमने कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, फिर करेंगे इनकी मदद से लूट, क्योंकि बाबा जी लूट करो मजाक। मेरे पास इतनी अच्छी लूट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे M4 3X काफ़ी मज़े की लूट मिल गई, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक्चुअली जो काले का मिशन था वो काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ अपने क्लियर करने थे, तो मैं जल्दी से निकल आया था शॉर्ट गन और टॉमी गन लेके, कुत्ता गन लेके। फिर हमने अपनी मेहरान गड्डी घुमाई, जैसे मैं घूमता हूँ भाई, जब मुझे गंदी गन चाहिए थे एकदम पबजी वाले फ्लेयर यानी पिचकारी चला जाते हैं भाई। मैं दुआएं दे रहा था इस बंदे को जिसने फ्लेयर चलाई, स्क्वाड को मैंने फ़ौरन से रश करने का फैसला किया। रॉजॉक यानी पेशावर की GT रोड हाईवे से गुजरते हुए, सिटी के बीच में से, पेशावर के बीच में से हम लोग गुजर रहे थे। डर ही लगता है ऐसे सिटी के बीच से अगर आप गाड़ी लेके जाते हो, कि कहीं से भी स्प्रे वगैरह आ गया ना, आपका बकरा बन जाएगा सीधा रोड पे, फिर आप हेल्प कर रहे होगे, और मैं तो अकेला हूँ तो हेल्प ही नहीं कर सकता। पब्लिक अभी ड्रॉप की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं थी, आइडिया नहीं था कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस एंगल पर, इतना तो पता चल गया था कि वाटर सिटी में आ रहा है। मैं वाटर सिटी का नाम भूल गया, मैंने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे की थी जितने भी मैंने नाम रखे थे, तो वहाँ पे जाके मैं वाटर सिटी का नाम देखूँगा मैंने क्या रखा हुआ है। अब मुझे आइडिया हो गया था, फिर मैंने अपनी मेहरान गड्डी उठाई और रश कर दिया फ्लेयर की तरफ। पब्लिक यहाँ पे बॉट भैया भी घूम रहे होते हैं, तो पहले ना जैसे ही मैं थोड़ा सा गया तो मुझे आता है साउंड बंदे का, मेरी जान निकल गई। मैंने कहा लो भाई आती क्रेट बन जाएगी, और वैसे गेम प्ले के लिए मुझे आज काफ़ी बार ट्राई करना पड़ा था। मैंने जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कभी मेरा बहुत इजीली गेम प्ले बन जाता है, कभी बहुत टाइम लगता है, तो आज के दिन बहुत टाइम लगा था। वहाँ पे बॉट था, मुझे लगा बंदा नेट कर रहा था, मैं जब बॉट था तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैं कहा भाई जा, तुझे आज़ाद किया, जा तुझे माफ़ किया,
बॉट ओके यहाँ पे गाना गाना था मैंने, बट मैं गाना गा नहीं सकता, रमज़ान है, तौबा तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। फिर हम जाते हैं बंदों के पीछे और वहाँ पे एक और बॉट प्लेयर लूट रहा होता है, नहीं मतलब क्या। फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई ये चार बंदे नहीं हो सकते, अगर तीन चार दो बंदे होते ये बॉट को छोड़ते ही ना। एक ही बंदा था बेचारा जिसने प्लेयर चलाई और वो गया था स्क्वाड हाउस यानी एनोनिमस हाउस में। मैंने एक नेड निकाला, गैलरी में ही था वो, तो वो बॉट को वहाँ से मार रहा था, तो मैंने फ़ौरन से नेड कर दिया और मुझे आइडिया था कि नेड से वो डैमेज हुआ होगा। मैंने फ़ौरन से किया रश, भाई सब सामने आएंगे, कान के नीचे लगाया, बॉडी बनाया लॉल। हाँ ये भी सही बनता है वैसे, मेरे मुंह से लॉबी की जगह बॉडी निकला, लेकिन दोनों बातें सही हैं, लॉबी बना लॉबी भगाया या बॉडी बनाया, बोथ आर गुड। ओके फिर वही हमने पेट भर के लूट की, क्या मज़े की लूट थी हमारे पास। और ये देखो फिर 70 जा रही है बाहर से और इसने अपना फिर जो आवाज़ है वो गेमप्ले में लेके आना है। दे वांट टू बी फेमस, दे वांट प्रमोशन, वेरी बैड। और यहाँ में मिलती है हमारी पहली मोहब्बत AWM बाबाजी। अब मेरे कुछ भाई लोग मीठे मीठे सोने सोने भाई लोग कमेंट करेंगे, नानी मेरे भैया हमें पहले से पता था ओम होगी ये और हम मुझे पागल बना रहे होंगे ऐसे, तो बात देखने के बाद कमेंट करेंगे मेरे भाई लोग और फिर मुझे पागल बनाएंगे, नानी भैया ओम थी पब्लिक। उसके बाद हम जॉर्ज पुल यानी लाहौर आते हैं, बंदे ढूंढते ढूंढते क्लियर कर लेता कालिया, यहाँ पर भी कोई नहीं होता। उसके बाद हम पहुँचते हैं जॉर्ज की सिटी, यहाँ पे जो है अगेन कोई नहीं होता इतना। देखो कितने ज़्यादा सिटीज़ देखे मैंने, पचिंकी, फिर स्कूल गए, स्कूल के बाद अपार्टमेंट्स गए, अपार्टमेंट्स के बाद रोज़ोक गए, रोज़ोक के बाद जॉर्ज, अल्लाह अकबर। भाई ये दूसरी फ्लेयर चली थी, फिर हमने रश करने का फैसला किया, डब्बा पड़ा हुआ था यहाँ पे ड्रॉप सरकारी, देखा तो लूटेड था, हमने फिर यहाँ रुकने का फैसला नहीं किया, रुकने का फ़ायदा नहीं था, उल्टा अपना कबाड़ा हो जाता, भगाई सीधा ड्रॉप पे आ गए थे, ड्रॉप था मेंशन में। पब्लिक यहाँ पे जो ये सीन है ना, अगर अभी भी आपने लाइक बटन नहीं दबाया ना तो मैं कह रहा हूँ बड़ा गलत सीन हो जाएगा ये। ड्राइविंग देखो, ए वाओ ठोको लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक, देखा क्या किया मैंने, कितनी परफेक्टली गेट के अंदर से ला के बेचारा भाग रहा था, उसके ऊपर चढ़ा के पार्क कर दी स्क्वाडर्स यानी एनोनिमस हाउस के अंदर अपनी बग्गी। एक बंदे ने DP का लाइक एक दो शॉट ही दिया था और उसका मुझे आइडिया हो गया था कि वो बड़े वाले घर में है, तो मुर्गा आजान दे रहा, कह रहा कुकड़ों को, असल में ये कह रहा लाइक कर दो, समझ रहे हो मेरी चलाकियाँ समझ रहे हो आप। अब मैं आगे वाली साइड इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे लगा था DP वाला नेड ना करे, पर जब इसने कुछ किया ही नहीं फिर मैंने कहा भाई आप कुछ नहीं कर रहे तो चलो हम कुछ कर लेते हैं, हमने कर दिया रश कि देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा, मारेंगे पीटेंगे मौत को चुके टक से वापस आएंगे। और जब हम भाई साहब को देखते हैं भाई साहब हिल भी नहीं रहे थे, ओहो वाओ वेरी एग्रेसिव प्लेयर। कामी भैया को हमने यहाँ पे डाउन किया और कामी भैया को फौरन से फिनिश करेंगे, कामी भैया के टीममेट मजाक उड़ा रहे होंगे कि व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर ब्रो। रीलोड की अपनी M249, मतलब मैं कह रहा हूँ अपना अंडा पका सकते हो फ्राई पैन पे, चाय बना सकते हो इतनी देर में जितनी देर में हमारी M249 रीलोड होती है। मैं कह रहा हूँ आप अपनी नींद पूरी कर सकते हो, सैरी में रीलोड पे लगाओ, अफ्तारी में रीलोड हो जाएगी हमारी M249, इज़ जस्ट अ जोक, M249 इज़ अ गुड गन। पब्लिक फिल्म मैंने ना फैसला किया कि यहाँ से जाता हूँ, उतनी देर मुझे साउंड आता कि लेफ्ट वाले स्क्वाड हाउस में बंदे आ गए, बंदे यानी मामा हीरदे आ गए। अब इनसे जो है ना असल हमारी फाइट स्टार्ट हुई थी, इनसे पंगा स्टार्ट हुआ था और आप लोग बड़ा इन्जॉय भी करोगे। देखो भाई ये है एनोनिमस हाउस यानी स्क्वाड हाउस, ये है हमारा, इस पे हम आपका कब्जा नहीं होने देंगे, बेशक आप कोई भी कंट्री के बंदे हो, आप यहाँ पे आके हमारी ट्रिक यूज़ करके हमारी गाड़ी लगा रहे हो। मतलब डार्सिया तो चलो मैं भी, मुझे नहीं पता वो मैंने स्टार्ट किया था या मैंने कहीं से देखा था, मुझे याद भी नहीं है, पर वो तो लाइक एरेंगल वन जो न्यू ओल्ड एरेंगल था उसमें लगती थी डार्सिया सीढ़ियों में, बट ये US वाला सीन मैंने स्टार्ट किया था, ढूंढा था और ये मेरी टीममेट ने ढूंढा था एक्चुअली, हम दोनों मैच खेल रहे थे और फिर मैंने गेम प्लेज में स्टार्ट कर दिया था। अब ये बहुत लोग यूज़ कर रहे होते हैं US वाला, इन्होंने भी भाई मेरे ही एनोनिमस हाउस में पब्लिक USG लगा के सीढ़ियाँ कर दी थी बंद, हमने उठाई अपनी M249 कर दिया रश कि देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, हमेशा नाड़ा ही कच्चे के लिए होता है, कभी मैंने ये नहीं बोला लास्टिक कच्चे के लिए होगी, अब ये तो बोल नहीं सकता ना कि जो होगी अच्छे के लिए होगी लास्टिक कच्चे के लिए होगी, है ना। तो पब्लिक कर दिया रश अपनी, ओ भाई वाह देख रहे हो इतना अच्छा रश आपने कभी देखा होगा। मैं बोला ना समटाइम मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, समटाइम बड़ा बकवास खेलता हूँ, समटाइम बहुत अच्छा ड्राइव करता हूँ, समटाइम बड़ी बकवास ड्राइविंग करता हूँ। ओहो हो ये भाई साहब लिखवा के हैं अपनी मौत, कान के नीचे लगाया भाई को, बकरा बनाया और लॉबी भगाया।
अब इनके टीममेट जो है ना एकदम उस टाइम तो बड़ी गोलियां चला रहे थे, एकदम शांति शांति हो गई, सुनसान हो गया भाई हमारा एनोनिमस हाउस। अब मैं जैसे ही आता हूँ, मैं बैठ के ड्राइव पे गाड़ी आगे नहीं कर सकता, वो इजीली मार देते, सीढ़ियों पे थे तो मुझे आइडिया था पब्लिक के लेफ्ट पे, अगर मैं राइट वाली साइड जाके बाहर से सीढ़ी वाले बंदे को मार सकता हूँ। बट यहाँ पर मुझे एक आइडिया नहीं था कि मेरी M249 पे 6x लगा हुआ है, तो ये बंदा गाड़ी ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है। बहुत मतलब डैमेज हो गई थी, फिर आके ब्लास्ट कर देता है, नेड वेट कर दिया था उन्होंने। अब मैं ऊपर वाली साइड नहीं जा सकता, अब मुझे इनको मारना था पब्लिक, लेकिन मेरे पास नेड वगैरह भी नहीं थे तो इनको मारना मतलब पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात, ना मेरे पास डासिया है, ना मेरे पास यूएस है जो मैं दरवाजे पर लगा के स्मोक करके ऊपर जाऊँ। लेकिन मैंने आपको बोला ना, एनोनिमस हाउस है भाई, हमारा हक है इस घर पर, हम आपको लेने नहीं देंगे। तो फिर मेरे दिमाग ने थोड़ा सा ना काम करना स्टार्ट किया, मैंने कहा थोड़ा घूम के जाता हूँ, मे बी अपने टीममेट की क्रेट लूटने नीचे जंप कर दें और फिर मैं इनको मारूं। तो ये मेरी एक ट्रिक थी। उसके अलावा ना पब्लिक, आपने नोट किया होगा कि जो छोटे घर पे मैं देख रहा था वहाँ पे भी बग्गी रुकी थी, वहाँ पे भी बंदा आया था। तो मैं जब यहाँ से निकला, गाड़ी खड़ी थी, मुझे लगा बंदे, कोई भी नहीं था, स्पॉन थी गाड़ी, तो मैं चला जाता हूँ उसी साइड पर जहाँ मैं देख रहा था कि बंदा गिली सूट वाला था और बग्गी आकर रुकी थी, वो गाइस पीछे बग्गी खड़ी है। यहाँ पर मैंने रश कर दिया और जैसे मैं रुकता, यहाँ पे कोई होता नहीं है एक्चुअली, बड़ा दिल उदास हो गया मेरा। दो दो गैस कैन रख के अपनी ट्रक इस्तेमाल कर रहा था वो, मुझे लगा कैंप कर रहा होगा, गैस कैन रख के ब्लास्ट कर देगा जैसे ही मैं आऊँगा, पर वो यहाँ से जा चुका था बंदा। तो मैंने फ़ौरन से गैस कैन उठा लिया और बग्गी लेके ना दोबारा रश करने का फैसला करता हूँ। लेकिन देर में गाड़ी का साउंड आता है, मैं उतर के भागता हूँ तो दूसरी गाड़ी गुजर रही होती है यहाँ से। अब पब्लिक ये गाड़ी भी मेरी एनोनिमस हाउस यानी हमारे स्क्वाड्स में चली जाती है। तो मैंने उठाई बग्गी, मैंने कहा भाई करते हैं रश, थर्ड पार्टी यही मौका है, देख की जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, जाएंगे मौत को छू के टक से वापस आएंगे भाई। अब ये मर गए, मुझे लगा सब मर गए, अंदर जाता हूँ ये देखना पब्लिक। ओ भैंस की दुम, वाह 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 वाह, ऐसे कैसे बाबा जी, मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। और फिर की मज़े से हील भाई, क्या तो एंट्री मार रही दोनों बार स्क्वाड्स में पब्लिक, मज़ा आया ना, मज़ा आया तो ठोक देना लाइक बटन, कर देना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि हमारी ऐसी वीडियो होती है कि मतलब हर कोई देख के मुस्कुरा सकता है। तो अपने जिस प्यारे के चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाना चाहते हो उसको बोलना भाई ये ले वीडियो देख ज़रा, तुझे जो गम लगा हुआ ना तेरी शादी ना होने का, जो तुझे जो गम लगा हुआ तेरी कमेटी ना निकलने का, और तुझे जो गम लगा हुआ तेरी रिजल्ट अच्छा ना आने का, या जो ज़िंदगी में उसको जो भी दुख है, या उसकी मम्मा ने उससे मोबाइल छीन लिया था, रो रहा था या फिर रोज़ा लग रहा था, ऐसे बंदों को आप भेज सकते हो हमारी वीडियो, वो मुस्करा लेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। वाह वाह वाह, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, है ना है ना है ना है ना पब्लिक। उसके बाद हमने ना यहाँ से उठा लिए नेड, और ये था इंतकाम लेने का वक्त, जो बंदे ऊपर बैठे हैं हमारे घर पर कब्ज़ा करके उन पर नेड करने का। ये गए भाई साहब रॉक भैया को हमने एकदम बकरा बना दिया, उधर मौली फेंक दी ताकि वहाँ रिवाइव ना हो, अटक गई थी मेरी स्क्रीन, इधर मौली फेंक दी ताकि यहाँ रिवाइव ना हो, और फिर जल गए हमारे रॉक भैया, इधर मौली फेंक दी ताकि हर जगह आग ही लगा दी मैंने, जहाँ भी जाओगे आग लगी होगी, सबके अगवाड़े पिछवाड़े इधवाड़े उधवाड़े सब जल जुल गए, और हमें ना किल मिल गए बिना गोली चलाए, हमने अपना स्क्वाड हाउस खाली करा लिया। पब्लिक देखा, हमारे स्क्वाड हाउस पर अगर कब्जा करोगे तो हमें पता उसको क्लियर कैसे कराना है। उसके बाद मेरी एनोनिमस की पब्लिक, हमें ऊपर जाके लूट भी तो करनी थी, नीचे से मार दिया फ़ायदा तो ना हुआ ना, हमें जाना भी तो ऊपर और जाके इनकी लूट भी तो करनी है, क्योंकि मतलब फिर तो मकसद पूरा होगा, फिर तो अपना प्लान पूरा होगा, तब घुस जाते हैं और यहाँ पे करते हैं फिर इनकी लूट। लूट इनके पास इतनी अच्छी नहीं होती, कोई नेड वगैरह भी नहीं थे इनके पास, पर इनसे ज़्यादा अच्छी लूट नीचे वाले प्लेस के पास थी, पर हमने पेड़ भर के लूट की अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी लूट मिली अच्छी बात है। और फिर मुझे यहाँ से जाना था पब्लिक, जो पहले वाला घर था ना वहाँ पे बग्गी सही वाली खड़ी थी, तो मैंने कहा बग्गी चेंज करके बग्गी ले लेता हूँ, छोटा सर्कल था, अच्छे लाइफ थे, तो सर्कल के मिड में जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दो स्क्वाड लड़ रहे थे, किल फील्ड में नाम आ रहे थे, और सामने जो हाइट वाला स्क्वाड है वहाँ पे एनोनिमस हाउस, देखो गोलियाँ भी चल रही हैं, मार्क भी आ रहे हैं, पर मेरा दिल नहीं था वहाँ पे जाने का, क्योंकि सर्कल वहाँ से भी कट सकता था, तो मैंने कहा भाई सर्कल का वेट कर लेता हूँ, और मतलब थोड़े से तो मिड में हम भी हैं, इतना कोई ज़्यादा एच पे नहीं है, क्या पता सर्कल इधर आ जाए, तो मैं इसी घर में रुक जाता हूँ पब्लिक, और उसके बाद एनिमीज को स्पॉट करने लगता हूँ, लेफ्ट राइट देख देख के, यहाँ पे ये बंदा भाग रहा होता है, इसको मैंने स्पॉट किया, ये खड़ा नहीं हो रहा था एक जगह पे, वरना मैं इसको हेडशॉट मार देता, ये आगे भागता है, मैंने यहाँ पे गोली चलाई,
उसके बाद मैं दोबारा इसको देख रहा होता हूँ कि वहाँ पे ये आएगा, मैं इसको मारूंगा। और इतनी देर में पब्लिक क्या होता है कि जो बंदा इस घर में रुका हुआ था ना, वो पता नहीं पीछे बड़े घर से मुझे मार देता है। कितना बैठा हुआ था सुकून से ये बंदा कैंप करके, भाई मुझे पता भी नहीं था उसने वहाँ पर मुझे मार दिया। खैर मेरी एनोनिमस पब्लिक का बैसेज जो ना, हमारा काले का मिशन फेल हो गया था, लेकिन मैं काले की वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दोबारा, एक अच्छा सा मिशन, एक अच्छी सी स्टोरी बना के आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपने M24 की तरफ। आज मेरा दिल था TDM M24 खेली जाए, कल हमने पैन खेला था। और आप मुझे बताना कि आप TDM इंजॉय भी करते हो नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, पूरा लिख देना, मतलब थोड़ा सा बड़ा कमेंट कर देना ताकि मेरी नज़रों में इजीली आ जाए, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। कान के नीचे लगाया लेकिन बकरा नहीं बना, मेरा किल चोरी हो गया, LOL LOL। कान के नीचे लगाया बकरा बनाया, कान के नीचे लगाया बकरा बनाया। पब्लिक आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट किल कौन सा था, और एक लंबा मतलब दो तीन लाइनों का कमेंट मुझे कर देना कि आपको TDM की कमेंट्री देखने में मज़ा आता है या नहीं। 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे, और ये सफ़ेद बनियान वाले भैया आए, इनको हमने मारने की कोशिश की। मैंने ज़रा कट नहीं किया, जो मेरी मिस हो रही है वो भी दिखा रहा हूँ, जो मेरी बुलेट्स लग रही हैं वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भाई ये रोको शेत पता नहीं क्या नाम था भाई का, जी भी ये बड़ा मर रहे थे हमसे। राखी, इनका हम चलो नाम राखी रख देते हैं, नहीं राखी नहीं रखते, इनको कुछ और नाम रखना पड़ेगा। अच्छा भाई खैर, ग्रोजा, ओए हीरो दो, वो नाइस नेम ब्रो, ओए हीरो दो। ओ भाई पिस्टल से मर गया वो, किलफील्ड में आया नाम, LOL LOL। आप लोग मुझे बताना कि आप, अच्छा जो मैं ध्यान से मारने की कोशिश करता हूँ ना उसमें नहीं मरता बंदा, जो मैं ध्यान से नहीं मारता उसमें मर जाता है। कहाँ जा रहे हो जान, ओ सॉरी कहाँ जा रहे हो सर, वो ये मैं क्या बोल दिया, LOL LOL। कुछ ज़्यादा नहीं मस्ती करने लग गया पब्लिक में कॉमेंट्री में, है ना है ना है ना, भाई साहब भाग रहे हैं। अच्छा पता है कितनी बार तो मेरे किल चोरी हुए, आए हाय ये देखो बॉडी शॉट मार रहा हूँ, बंदा ही नहीं मर रहा। ये बनियान वाले भैया को लॉर्ड बॉस भाई, ये लॉर्ड नाम रख लो या बॉस नाम रख लो, दोनों रखे हैं। कान के नीचे लगाया, ओए हीरो, ये ओए हीरो जो है ना, मतलब नहीं मतलब क्या सोच के आपने नाम रखा था ओए हीरो, है मेरे भाई। फिर बनियान वाले भैया आ गए, बनियान वाले भैया फिर चले गए, और ये हज़ार क्यों लिखा हुआ आपने, लॉर्ड बॉस हज़ार, नहीं मतलब क्या, व्हाट इज़ दिस नेम ब्रो, लॉर्ड बॉस हज़ार। ओए हीरो फिर से मर गया तू, भाई सब भाग रहे हैं ये, ओ पहले से मर गए। रोको चित, इनका मैं क्या, इनका कोई फनी नाम आप ही कमेंट में रख दो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो भाई साहब उधर से मार रहे थे इनको हमने, फिर ओए हीरो मर गया तू लॉल। ये भाई साहब हम यहाँ पे बैठे हैं मजे से, ये आगे नहीं आ रहे। देखो मैं जो मैं ध्यान से मारने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ओपन करके, वो नहीं लग रही थी मेरी शॉट। यहाँ पे मैं भाई का वेट करता हूँ, आइए, ओ मरे नहीं लॉल, आइए जाइए हंक मैन रॉकेट, ये रोकोशी तू फिर मर गया, अजीब नाम वाला, चलो इसका नाम हम रख देते हैं अजीब नाम वाला। शुक्र है मेरे टीममेट ने हमें बचा लिया, बेचारा ग्रोजा मार रहा था, और ये अजीब नाम वाला फिर से मर गया। भाई वो हीरो को मैंने देखा ही नहीं, अच्छा वो हीरो ने नहीं मुझे मारा, मुझे किसी और ने मारा, वो मेरे सामने था मुझे लगा मेरा टीममेट है। लेकिन 15 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे, और एक और बार वो हीरो को मुझे मारना, मुझे नहीं पता कल हमने किसको मारा था, पीले कपड़े वाले को, उसका नाम मैं भूल गया। ओए हीरो फिर से मर गया तू, वाह 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 वाह, क्या मज़ा आया ओए हीरो को मारने में, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ओए हीरो मर गया, हम दोबारा से एनिमीज़ को ढूंढ रहे थे, एक और बार मुझे ओए हीरो को मारना, ओए हीरो मुझसे मर जा प्लीज़, ओए हीरो, ओए हीरो, ओ नहीं नहीं ओए हीरो मत मरना, ओए हीरो के ज़मीन पर लेट रहा है। अब आप सबने एक बार तो लाजमी कमेंट करना, फिर अजीब नाम वाले को मारा हमने, और ऐसे में मिला भाई विक्टोरी। और हमारा Diamond 2 हो गया रैंक पुश कर करके, वो तो कॉन्क्वर कर लिया था, इसमें भी इंशाल्लाह एस कर लेंगे हम, आस्ते आस्ते ऊपर रैंक जा रहा है, आप लोगों से कुछ ढका छुपा नहीं है। लेकिन वो ओए हीरो ने हमें बड़ा एंटरटेन किया। पब्लिक आपको कौन सा फेवरेट किल लगा M24 का कमेंट में ज़रूर बताना, और कल वाले का नाम मैं भूल गया खैर, लेकिन TDM में मुझे लगता है आप लोगों को मज़ा आता है, तो मुझे ज़रूर बताना कि TDM में मज़ा आता है या नहीं आता, फिर मैं उसी हिसाब से TDM पोस्ट कर दिया करूँगा सम टाइम या सम टाइम नहीं। अजीब नाम वाला भी बहुत बार मरा हमसे, और ओए हीरो भी हमें हमसे बहुत बार मरा, और होप सो आपने इन्जॉय किया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगती है ना तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना, और अगर अच्छी लगती है तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक व्लॉग टाइप कुछ अपलोड करूँ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कुछ कॉन्टेंट बनाने का, लाइक व्लॉग जैसा, होप सो बनाऊँ, तो वो मैं सेकेंड चैनल पर अपलोड करूँगा, वो उसका नाम आपको पता ही होगा Anonymous 360, वहाँ पे मैं क्रिएट ओपनिंग भी करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना,
दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी रानी पब्लिक, आप सबको के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।